सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि हमने इतने लोग मार गिराए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। पुलवामा में हम लोगों के 40 सीआरपीएफ के जवानों ने जान, आज तक ये बात खुलासा नहीं कर पाई भारत की सरकार कि आखिर ये 3 क्विंटल आरडीएक्स आया कहां से। सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के दिए इन दोनों बयानों पर जमकर हंगामा कट रहा है। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस को घेरा है। हालांकि कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। बवाल और हंगामे के बीच सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने इस पूरे मुद्दे पर पॉलिटिकल डिबेट में सेना को लाने की बात कही, तो वहीं दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके कहा, मैंने अपने सशस्त्र बलों को हमेशा ही सर्वोच्च सम्मान दिया है। मेरी दोनों बहनों की शादी नेवल ऑफिसर्स से हुई है। मेरा देश की सेना के अधिकारियों से सवाल पूछने का सवाल ही नहीं उठता। मेरा सवाल मोदी सरकार से है। उन्होंने अपने सवालों को ट्वीट में लिखते हुए कहा कि साल 2019 में हुए पुलवामा में हुए हमले में 40 जवानों की मौत का जिम्मेदार कौन है। वहीं भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि असल में भारत तोड़ो यात्रा है। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि पॉलिटिकल डिबेट में सेना को लाना ठीक नहीं है। इस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक आपत्तिजनक बयान सभी चैनल पे चल रहा है और बड़े भारी मन से यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत जोड़ो यात्रा तो नाम की है, भारत को तोड़ने का कार्य स्वयं राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता उनके इशारे पर कर रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। बता दें कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह के बयान से सहमत नहीं हूं। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि हम इससे असहमत हैं। जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। हमारी आर्मी पर हमारा पूरा ट्रस्ट है। अगर आर्मी कुछ करे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली उनके स्टेटमेंट से कंप्लीटली डिसएग्री करता हूं और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल पोजीशन भी यही है कि वो दिग्विजय जी का पर्सनल ओपिनियन है, वो हमारा ओपिनियन नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.